अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मम्मी के मम्मी। गट्टू और चिंकी स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में अपना क्लासमेट सोनू दिखा। अरे ये तो सोनू है ना चिंकी? हाँ गट्टू, पर ये स्टेशनरी पर क्या कर रहा है? चलो ना, चलकर उसे पूछते हैं। हाँ चिंकी चलो। फिर गट्टू और चिंकी सोनू के पास जाकर उससे पूछते हैं, सोनू तुम क्या ले रहे हो? हाँ सोनू, हमें भी दिखाओ ना। अरे गट्टू चिंकी, मैं तो हैंडमेड पेपर और ग्लिटर्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? अरे अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाने के लिए, मदर्स डे आने वाला है ना, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा हैंडमेड कार्ड बनाऊंगा। अरे बाप रे गट्टू, हम तो भूल ही गए मदर्स डे आ रहा है। हमने तो अब तक मम्मी के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया, अब क्या करेंगे हम? अरे हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना होगा। अच्छा सोनू, अब हम चलते हैं, तुम्हें ऑल द बेस्ट तुम्हारे कार्ड के लिए। फिर गट्टू और चिंकी सोनू को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गट्टू चिंकी से पूछता है, चिंकी क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गट्टू क्यों ना हम भी मम्मी के लिए कार्ड बनाएं? पर चिंकी, हमने तो लास्ट ईयर भी मदर्स डे पर मम्मी के लिए कार्ड ही बनाया था ना। अरे हाँ सही कह रहे हो तुम। फिर थोड़ी देर तक दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाएं? अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है भला? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ जरूर, मम्मी की फेवरेट डिश गाजर का हलवा होगी, क्यों ना हम वही बनाएं, या फिर केक। अरे गट्टू, ये तो मम्मी की फेवरेट डिश बता रहे हो या अपनी? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलकर पापा से पूछे। हाँ ये ठीक रहेगा। ये तय करते ही गट्टू और चिंकी घर में एंट्री करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से पापा आए और मम्मी की फेवरेट डिश उन्हें बताए। रात होते ही पापा ऑफिस से आते हैं और डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। तभी गट्टू चिंकी मम्मी को किचन में काम करता हुआ देखकर उछल के पापा के पास आते हैं। पापा हमें आपसे कुछ जानना है। हाँ पापा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भला तुम लोगों को ये क्यों जानना है? गट्टू चिंकी पापा को पूरी बात बता देते हैं। अच्छा अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट डिश तो शायद मटर पनीर होगी। अरे पापा, मम्मी को तो पनीर से एलर्जी है, भूल गए आप? चिंकी शायद पापा को भी ये नहीं पता कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है, अब हम क्या करें? गट्टू जैसे मम्मी को हमारे बारे में सब पता है, तो ऐसे में मम्मी की मम्मी को भी तो मम्मी के बारे में सब पता होगा ना? चिंकी मैं कुछ समझा नहीं। अरे गट्टू, मैं नानी जी की बात कर रही हूँ, नानी जी को जरूर पता होगा कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। इतना कहते ही गट्टू चिंकी दोनों पापा से नानी को कॉल करने को कहते हैं। अच्छा बच्चों रुको, अभी कॉल करते हैं नानी जी को। इतना कहकर पापा नानी जी को कॉल करते हैं। नमस्ते नानी जी। अरे बच्चों नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग, और आज अचानक से मेरी याद कैसे आई? नानी जी कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है और हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। हाँ नानी जी, तो क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि जब मम्मी छोटी थी तो उन्हें आपके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद थी? अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी को तो मेरे हाथ का गुड़ और इमली के साथ भुनी हुई भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने उसे इस रेसिपी से भिंडी बना कर खिलाना शुरू किया, तब से भिंडी की सब्जी उसकी फेवरेट हो गई। अरे पर मम्मी यहाँ तो कभी भिंडी नहीं खाती, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मम्मी को भिंडी इतनी पसंद होगी। हाँ गट्टू बेटा ऐसा ही है, पर तुम्हारी मम्मी को सिर्फ मेरी ही रेसिपी वाली भिंडी पसंद है। कितने साल हो गए तुम्हारी मम्मी ने
वो भिंडी की सब्जी नहीं खाई। तो नानी जी, क्या आप हमें मदर्स डे के लिए अपनी स्पेशल भिंडी की सब्जी की रेसिपी बताएंगी? हाँ हाँ बेटा, जरूर। अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम एक काम करो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे रेसिपी लिखते जाओ। और आखिरकार मदर्स डे आ ही जाता है। आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो गट्टू और चिंकी की हेल्प कर सके मम्मी की फेवरेट डिश बनाने में। मम्मी मार्केट गई हुई थी और ये बिल्कुल सही टाइम था उनके फेवरेट डिश बनाने के लिए। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी के आने से पहले हमें उनके लिए ये डिश तैयार करनी है। हाँ पापा, देखिए मैंने भिंडी धोकर रख दी है। पापा, मैंने भी इमली को पानी में भिगो दिया है। वेरी गुड बच्चों, अब मैं भिंडी काटूंगा और तुम लोग नानी जी की रेसिपी को जोर से पढ़कर मुझे सुनाओ। हाँ पापा, सबसे पहले आपको भिंडी को नानी जी के बताए हुए मसालों में अच्छे से फ्राई करना है और फिर 3 कप पानी डालना है। अच्छा ठीक है गट्टू, रुको। हाँ अब आगे बताओ, अब क्या करना है? अब आपको इसमें भीगी हुई इमली और गुड़ ऐड करना है। अच्छा ठीक है। लाओ ना गट्टू, मुझे दो डायरी, अब आगे की रेसिपी मैं पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है चिंकी, ये लो। हाँ तो पापा, अब आपको गैस तेज करके सब्जी को पकने देना है और थोड़ी देर बाद इसमें नमक डाल दीजिएगा। बच्चों भिंडी बस बनकर तैयार होने ही वाला है। अब हमें इसमें केवल तड़का लगाना है। और ये लो, तड़का भी लग गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है ना बच्चों? हाँ पापा, क्या खुशबू आ रही है इस डिश से। हाँ खुशबू से तो लगता है कि सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी होगी। यकीन ही नहीं होता कि इसे हम सबने मिलकर बनाया है। अरे हमने कहा बनाया है, सब्जी तो केवल पापा ने बनाई है ना। तो क्या हुआ, बिना हमारी मदद के वो इतनी अच्छी सब्जी अकेले थोड़ी ही ना बना पाते, है ना पापा? हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सच है, तुम्हारी मदद के बिना अकेले ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मम्मी बस आती ही होंगी। थोड़ी देर में मम्मी मार्केट से वापस आ जाती है। उन्हें घर में आते ही एक जानी पहचानी से खुशबू आती है। आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पापा, चिंकी और गट्टू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मम्मी को उनकी बनाई हुई डिश दिखाते हैं। अरे वाह, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? और आप सबने इसे आखिर बनाया कैसे? मम्मी, हमने नानी जी की हेल्प लेकर ये डिश बनाई है। आइए ना मम्मी, खाकर बताइए कि आखिर ये बनी कैसी है। फिर मम्मी भिंडी की सब्जी खाती है। वाह, बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों का स्वाद है इसमें। मजा आ गया, बचपन की यादें ताजा हो गई आज। गट्टू और चिंकी एक साथ हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, थैंक यू बच्चों, और आपको भी थैंक यू। मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया, कितनी मेहनत की आप लोगों ने मेरे लिए। अरे गट्टू चिंकी की मम्मी, आप भी तो हमारे लिए रोज इतनी मेहनत करती हैं, तो भला क्या हम नहीं कर सकते? फिर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और गट्टू और चिंकी उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। एक बार फिर से थैंक यू बच्चों, ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया मुझे। गट्टू और चिंकी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। सैंडविच। गट्टू चिंकी काफी होनहार बच्चे हैं, साथ ही साथ गट्टू और चिंकी दोनों को चटपटी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह स्कूल में बच्चों के लिए एक कुकिंग क्लास भी अरेंज कराया गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप सभी ने अपने अपने टिफिन में क्या लेकर आए हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने टिफिन खोलकर टेबल पर रखे और एक एक कर टीचर टिफिन देखने लगी। सभी बच्चों के टिफिन में काफी अच्छे व्यंजन थे। वाह वाह, टिफिन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो मुझे पता है सबको पसंद आने वाला है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये आप सब भी खुद बनाकर अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर सकते हो। सच में, फिर तो बहुत मजा आएगा। आप हमें क्या सिखा रही है? बच्चों, आज मैं तुम सबको सैंडविच कैसे बनता है ये दिखाऊंगी। उसमें लगने वाली सारी सामग्री यहाँ पर आ चुकी है। बच्चों चाहो तो आप इसमें लगने वाली सारी चीजें नोट कर सकते हो ताकि घर पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इस तरह से कुकिंग टीचर ने
एक एक कर सारे सैंडविच में लगने वाले व्यंजन टेबल पर सजा दिए। तो बच्चों हमने लिया है ब्रेड, शिमला मिर्च, टमाटो, ककड़ी, बीटरूट, पत्ता गोभी, टमेटो सॉस और स्वाद अनुसार नमक। टीचर आप शायद एक चीज बोलना भूल गई, चीज से तो सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। नहीं गट्टू, सैंडविच में चीज बिल्कुल नहीं डलेगा, ये एक हेल्दी सैंडविच बनेगा। और हाँ, तुम सभी को चीज और बटर जैसी चीजें कम ही खानी चाहिए। और देखना, ये सैंडविच हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलो तुम्हें सिखाती हूँ। इस तरह से कुकिंग टीचर ने ब्रेड को अपने हाथ में लिया, उस पर नीचे सॉस लगाते हुए ऊपर सारी सब्जियां सजा दी। इस बीच चिंकी ने टीचर ने बताई हुई रेसिपी अपने नोटबुक में नोट कर ली। कुकिंग टीचर ने फिर हल्का सा नमक छिड़कते हुए सैंडविच को रेडी कर लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से सैंडविच बन गया है। मुझे यकीन है आप सभी ने इसकी रेसिपी नोट कर ली होगी, और हाँ, घर जाकर ट्राई जरूर करना। इस तरह से स्कूल में कुकिंग पीरियड खत्म हो गया और स्कूल में आज का दिन भी खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी घर लौटे, तभी मम्मी और पापा फोन पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच दीदी, हाँ हमारे शादी को 13 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए इनसे बात कीजिए। मम्मी ने फोन पापा को थमाया। गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात सुनी। उन्होंने देखा कि पापा भी खुश होकर शुक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हाँ हाँ जरूर आइए घर पर, हाँ रखता हूँ, बाय। पापा आज क्या है, आप सबको थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हाँ मम्मी, आप दोनों में से किसका बर्थडे है? बेटा किसी का बर्थडे नहीं है, हमारी शादी की सालगिरह है आज। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा। गट्टू और चिंकी ने एक दूसरे को देखा और गट्टू चिंकी ने एक साथ चुटकी बजाई और मन ही मन सोच लिया कि वो मम्मी और पापा को सैंडविच बनाकर सरप्राइज देंगे। तो फिर चिंकी चलो हम मम्मी को सरप्राइज देते हैं और बढ़िया सा सैंडविच बनाते हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने सैंडविच बनाने के लिए अपनी कमर कस ली। गट्टू और चिंकी दोनों ने एप्रोन पहने। हालांकि गट्टू और चिंकी के लिए एप्रोन काफी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो मम्मी की तरह किचन में काम करना चाहते थे। अच्छा तो हमें सैंडविच बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब हम यहाँ किचन टेबल पर लाकर रख देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। चिंकी ने फ्रिज से ब्रेड निकाले, गट्टू ने सैंडविच में लगने वाली सब्जियां निकाली, सॉस, थोड़ा बहुत चटपटा मसाला, ऐसी चीजें किचन पर सज गई। चलो सारा सामान तो आ गया, लेकिन चिंकी तुमने चीज नहीं लिया। नहीं गट्टू, हम चीज वाला सैंडविच बिल्कुल नहीं बनाएंगे। याद नहीं हमारी टीचर ने क्या कहा था, हमें हेल्दी खाना चाहिए। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो उन्हें हम वेजिटेबल सैंडविच ही बना कर देंगे। यस यू आर राइट चिंकी, चलो बनाते हैं। गट्टू चिंकी अब पूरे जोश के साथ सैंडविच बनाने लगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच, ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसमें डलने वाली सामग्री है ब्रेड, ककड़ी, टमेटो, शिमला मिर्च, गोभी और कुछ चटपटे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार। गट्टू ने फटाफट सैंडविच में लगने वाली सब्जियां कट कर ली। गट्टू टमाटो ककड़ी एकदम गोल गोल कट करना। हाँ चिंकी समझ गया, एकदम गोल गोल कट करूंगा। देखते ही देखते गट्टू ने सारी सब्जियां फट फट करके काट दी और प्लेट में रख दी। दूसरी ओर चिंकी ने ब्रेड के पैकेट से 2 ब्रेड लिए। चिंकी चलो तो फिर सबसे पहले इस पर हम टमाटर रखते हैं। गट्टू ने टमाटर के स्लाइस ब्रेड पर रख दिए। टमाटो के बाद अब इस पर जाएगी ककड़ी। फिर चिंकी ने ककड़ी के स्लाइस ब्रेड पर लगाए, उसके बाद शिमला मिर्च और गोभी अच्छी तरह से ब्रेड पर रख दिए। मुझे स्पेशल सैंडविच चाहिए गट्टू। ओ ऐसा है क्या, तो फिर तुम्हारे स्पेशल सैंडविच में जाएगा स्पेशल प्यार। अरे वाह, मेरा स्पेशल सैंडविच बनेगा प्याज के साथ, लेकिन मम्मी के सैंडविच में नहीं डालना, मम्मी को प्याज पसंद नहीं है। ओ ओके चिंकी। गट्टू ने दूसरा ब्रेड का स्लाइस सारी वेजिटेबल्स पर रख दिया और सैंडविच कवर कर लिया। अरे गट्टू रुक जाओ, हमने नमक और मसाला डाला ही नहीं। अरे हाँ हम तो भूल ही गए। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने सैंडविच के ऊपर वाला ब्रेड निकाल लिया, उस पर हल्का सा नमक छिड़का, कुछ चटपटा मसाला डाला और फिर से सैंडविच कवर कर लिया। चिंकी आराम से करना वरना सैंडविच जल जाएगा। डोंट वरी गट्टू, सैंडविच बिल्कुल नहीं जलेगा। और चिंकी ने जलने से पहले सैंडविच को प्लेट में निकाल लिया
और बड़ी ही सुंदरता से सैंडविच को टोमेटो सॉस के साथ सजाकर गट्टू और चिंकी प्लेट को मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले आए। चिंकी के हाथ में प्लेट देखकर मम्मी बोली, गट्टू चिंकी तुम्हारे हाथों में ये प्लेट कैसी? तुम दोनों ने मिलकर किचन में कुछ किया है क्या बेटा? मम्मी पापा हमने आपके लिए टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। सच बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों। देखो तो मेरे बच्चों ने किस तरह का सैंडविच बनाया है। लीजिए मम्मी पापा टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। मम्मी पापा मेरे और गट्टू की ओर से ये सैंडविच सरप्राइज, आज ही हमने स्कूल में सीखा। मम्मी पापा के साथ साथ गट्टू और चिंकी ने भी अपने हाथों से बनाया हुआ टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच चखा। वाओ काफी यम्मी बना है। हाँ काफी अच्छा है पापा, आपको कैसा लगा? वेरी गुड गट्टू चिंकी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों ने सैंडविच बनाना सीख लिया, लेकिन किचन में संभल कर काम करना भी जरूरी होता है। यस मम्मी, मुझे बिल्कुल चटका नहीं लगा। दिवाली की तैयारी। हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं, हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं, चिंकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है, मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल एक हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियाँ ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे, चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा मम्मी गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहाँ मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सेलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसलिए अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती। ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार की फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं, घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियां लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियां खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉप कीपर से वो वाली लड़ियां निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह,
इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी, ये तो बहुत ही सुंदर है। हम ऐसे ही लड़ियां ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियां पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे, दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियां भी ले ली है, लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है। पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं, बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पॉल्यूशन भी होता है। कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकाल कर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी। दिवाली सिर्फ एक वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी, गट्टू और मैं मिलकर अगले 2 ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें जिनका अब कोई काम नहीं था उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया। और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से 2 दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी, इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं। वही मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है, इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू,
हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं। सोसाइटी एग्जीबिशन। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह अपने कमरे में तकियों से लड़ रहे होते हैं। तभी रसोई से कुछ बनने की बहुत अच्छी महक आती है। चिंकी एकदम तेजी से भागी भागी मम्मी के पास जाती है। क्या बनाया है मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू आई, मुझे देखना है। अरे अच्छे से पकने तो दो बेटा, थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारे लिए व्हाइट पास्ता बना रही हूँ। तभी गट्टू भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है। अरे चिंकी, गेम बीच में क्यों छोड़ा, तुम्हारी बारी आई तो तुम यहाँ चली आई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गट्टू, मैं तो मम्मी से अब पास्ता बनाना सीखूंगी। अरे उसके लिए अगली बार से शुरू में ही साथ में खड़े होकर पूरा प्रोसेस देखना कुकिंग का बेटा। कैसे काटते हैं सब्जियों को, उबालते हैं पास्ते को, सब कुछ शुरू से देखना। ऐसे बीच में से देखोगी तो कुछ समझ नहीं पाओगी। ओके मम्मी। मम्मी मुझे भी पोहा बनाना सीखना है। ओके गट्टू, अगली बार हम पोहा बनाना भी सीखेंगे। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गट्टू जरा देखो तो बेटा कौन आया है। गट्टू तेजी से भागा भागा दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखता है तो सोसाइटी के चेयरमैन वर्मा अंकल खड़े होते हैं। अरे वर्मा अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ अंकल। तभी रसोई से मम्मी बाहर की तरफ आते हुए पूछती है, कौन आया है बेटा, किससे बातें हो रही हैं? अरे आप कैसे हैं वर्मा जी, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अरे मैं ठीक हूँ, बस ये कार्ड देने आया था। सोसाइटी की मीटिंग में इस बार आप लोग नहीं आ पाए थे, हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम रखने का सोचा है। फूड प्रोग्राम होगा वो, सब लोग चाहे तो अपने स्टॉल भी लगा सकते हैं या अपना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे सकते हैं। जैसे किसी को गाना या नाचना हो तो सोसाइटी के लिए कोई भी मैसेज हो तो वो दे देना स्टेज पर। ठीक है, हम जरूर आएंगे, आप अंदर आइए ना, चाय तो पीकर जाएं। तब तक पापा भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे आप अभी तक दरवाजे पर ही हैं? बस वो प्रोग्राम फिक्स हो गया ना, वही बताना था, आपकी तो उस दिन मीटिंग थी, आप आए नहीं थे ना। जी मेरे लिए कुछ काम हो तो आप पहले से बता देना, सोसाइटी के कार्यक्रम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जी जी जरूर, अभी निकलता हूँ, प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है। और हाँ, अगर आप स्टॉल डालना चाहे तो आपको सोसाइटी को पहले बताना होगा, ये ध्यान रखना बस। हाँ ये कहकर वो चले जाते हैं। सभी वापस रसोई में आ जाते हैं। मम्मी ये स्टॉल क्या होती है? उसमें हम खाने पीने का सामान या किसी और सामान की एकदम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। तभी पापा जो कि कमरे में बैठकर इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे होते हैं वो कहते हैं, अरे क्यों ना पास्ता की स्टॉल लगाई जाए, चिंकी मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करेगी और गट्टू मेरे साथ बिलिंग में, दोनों को टीम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। वाओ कितना मजा आएगा, मम्मी हम पास्ता का ही स्टॉल लगाएंगे। ठीक है, फिर मैं वर्मा जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सोसाइटी के कार्यक्रम का दिन आ जाता है। बाकी बच्चे भी अलग अलग तरीके से तैयार होकर गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं। अरे गट्टू गट्टू मजा आएगा स्टॉल में तो, मैंने तो टमाटर सूप की स्टॉल लगाई है, देखना मैं ही विनर बनूंगा। चिंकी बंटी की बात सुनकर उदास हो जाती है। मम्मी स्टॉल लगाकर हमने गलती तो नहीं कर दी, देखो बंटी तो टमाटर का सूप बनाएगा, लेकिन हम क्या। अरे बेटा इधर आओ, हम जो करने वाले थे वो सब देखेंगे, तुम पूरी सोसाइटी को अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट पास्ता खिलाओगी। आओ अब पास्ता को बॉईल करना सिखाती हूँ, तुम और गट्टू तब तक सब्जियों और मशरूम को छोटे टुकड़ों में काट लो। ओके मम्मी, हम ही जीतेंगे आज। ये हुई ना बात। गट्टू और चिंकी सब सब्जियाँ काट रहे होते हैं और मम्मी गैस ऑन करके पास्ता को उबालने के लिए रख देती है। उधर पापा कूपन की डायरी और पेन को लेकर साइड में खड़े हो जाते हैं। ये किसकी डायरी है पापा? ये डायरी नहीं बिल है बेटा, जब भी कोई मुझे प्लेट के पैसे देगा तो मैं उसकी प्लेट के पैसे काट दूंगा, उन पैसों को आप गले में डाल देना और फिर एकदम एंड में रात को हम इसको काउंट करेंगे। वाओ कितना मजा आएगा। हाँ बस लोगों को हमारा पास्ता पसंद आ जाए। पसंद क्यों नहीं आएगा, आज हमारी चिंकी खुद बना रही है। यस मम्मी। थोड़ी देर बाद एक एक करके लोग गार्डन में आ जाते हैं।
उधर बंटी की स्टॉल पर भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में काफी भीड़ होती है और गट्टू के स्टॉल पर सिर्फ दो लोग होते हैं। हे भगवान, कहीं हम हार ना जाएं। कुछ नहीं होगा बेटा, स्टे पॉजिटिव। और उधर पास्ता बनते ही चिंकी आवाज लगाने लगती है। पास्ता पास्ता, एकदम गर्मा गर्म पास्ता, रेड व्हाइट पिंक सॉस में। अरे वाह चिंकी, तुमने तो सब तरह का पास्ता बनाना सीख लिया। हाँ, मैं हूँ ही बेस्ट। अच्छा, व्हाइट पास्ता रेड पास्ता कैसे बनाओगे? अरे पापा, सिंपल है। रेड सॉस में केचप डालना होता है और व्हाइट में मैदा और मिल्क और दूध, है ना मम्मी? हाँ बेटा। तभी पास्ता बनते देखकर उनके काउंटर के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग एक एक करके पर्ची कटवाने लगते हैं। उधर बंटी के सूप में नमक कम होने की वजह से बहुत से लोग वहाँ से हट जाते हैं। एक एक करके आप लोग आए। ठीक है अंकल। और बाकी लोग भी लाइन में लग जाते हैं। उधर बंटी के स्टॉल वाले बच्चे भी यहाँ लाइन में आकर लग जाते हैं। बंटी उदास हो जाता है। उधर गट्टू और चिंकी सबको एक एक करके प्लेट्स दे रहे होते हैं। ये लीजिए वर्मा अंकल, ये लीजिए आंटी, कैसा लगा बताइएगा। वाह भाई, कितना टेस्टी पास्ता बनाया है आप लोगों ने। चिंकी बिटिया ने तो कमाल कर दिया आज तो। ये लो 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। अरे अंकल ये क्या? रख लो बेटा, ये हमारी तरफ से इनाम है, पूरी सोसाइटी की तरफ से। क्यों भाई? बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाकी बच्चे और बंटी गुड्डी ये देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं। और पापा मम्मी ये सब देख रहे होते हैं। गट्टू चिंकी, ये पैसे ले लो, इन पैसों से बाकी सब बच्चों की पार्टी, ये इन सब का है। हाँ पापा। बंटी इधर आओ, तुम मेरी चिंकी के हाथ का रेड सॉस पास्ता खाओ, तुमको पसंद है ना? और इस तरह से सब बच्चे खुशी खुशी पास्ता खाने के बाद वापस नाचने लगते हैं। रात को पापा डब्बा खोलते हैं जिसमें खूब सारे पैसे होते हैं। गट्टू काउंट करो तुम दोनों और मुझे बताओ कितने पैसे कमाए। 1, 2 और पूरे 800 रुपए पापा। ये तुम दोनों का इनाम है, पहली कमाई। इससे हम आपके लिए गिफ्ट्स लेंगे। मेरी तो फ्रॉक भी आ जाएगी अब। सब लोग हंसने लगते हैं। पापा मम्मी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। थैंक यू आज के प्रोग्राम के लिए। हेल्पफुल गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी काफी समझदार बच्चे थे, बिल्कुल आपकी तरह। वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। स्कूल हो, सोसाइटी हो या फिर घर, गट्टू चिंकी सबकी मदद करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। गट्टू रहने दो, मैं ये सब सब्जियां और सामान किचन में रख दूंगी। नहीं मम्मी, आप मार्केट से आई हो, बाहर तेज धूप थी, आप थक गई होंगी, हम ये सामान किचन में रख देते हैं, आप आराम कीजिए, चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी आई और दोनों ने मिलकर सब्जी और किराने का सामान किचन में रख दिया। इतना ही नहीं, चिंकी मम्मी के लिए पानी लेकर आई और गट्टू मम्मी के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाने लगा। मम्मी ये लीजिए, आपकी पसंदीदा अदरक वाली कड़क चाय, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? यह देखकर मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच। हाउसवाइफ थकी हो और उसके हाथों में गर्मा गर्म पसंदीदा चाय की प्याली आ जाए तो उसे कितनी खुशी होती है, ये बहुत कम पति और बच्चे जानते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे अपनी मम्मी की खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। थैंक्स मम्मी, हमें स्कूल में सिखाया गया था, बच्चे हुए तो क्या हुआ, बच्चों को भी जितना हो सके उनको उतना काम जरूर करना चाहिए, घर के काम नहीं कम से कम अपने खुद के काम तो करने ही चाहिए। ये सारे काम करने से मम्मी का बोझ हल्का हो जाता है और वो खुश हो जाती है। ये सुनकर मम्मी गर्व महसूस करने लगी और गट्टू चिंकी से बोली, शाबाश बेटा, ऐसे ही सदा सबकी मदद करना और हमेशा दूसरों को और खुद को भी खुश रखना, फिर जिंदगी जीने में और भी मजा आता है। गट्टू चिंकी सिर्फ बातें नहीं, काम भी पूरी ईमानदारी से करते थे। जब वो स्कूल से घर आते थे तब वो अपने शूज और सॉक्स निकाल कर रैक में खुद रखते थे, फिर अपनी वाटर बोतल और टिफिन किचन में रख देते थे। उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने स्कूल बैग कमरे में रख देते
और अपने कपड़े जैसे यूनिफॉर्म वगैरह भी कबर्ड में अच्छी तरह से टांग देते थे। इतना ही नहीं, दोनों मिलकर अपना कमरा भी खुद साफ करते, जिसकी वजह से मम्मी का टाइम बच जाता और वो दोनों के साथ मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। एक दिन की बात है, गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट रहे थे, हरी भी उनके साथ ही था। गट्टू चिंकी जाओ जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, हम जल्दी से बैडमिंटन खत्म करेंगे। खत्म करेंगे? हम थोड़ी बैडमिंटन का मैच खेल रहे हैं, हम तो बस एंजॉय करते हैं, फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है खत्म करने की? वो क्या है ना, आज मम्मी पापा के ऑफिस से आने के बाद हम सब बाहर जाने वाले हैं डिनर करने, चौपाटी घूमने भी जाना है, इसलिए सब जल्दी जल्दी निपटाना चाहता हूँ। ठीक है, हम आ जाएंगे। ऐसा कहकर हरी निकल गया और गट्टू चिंकी भी अपने घर आए। घर में कदम रखते ही दोनों ने देखा कि पापा फाइलों के ढेर में बैठे थे और काफी परेशान होकर फाइल्स चेक करने में लगे थे। पापा क्या बात है, आज आप ऑफिस से जल्दी लौट आए, और ये क्या, आप तो पूरा ऑफिस घर ही ले आए। बच्चों बात ही ऐसी है, ये 5 साल पुरानी फाइल्स है, सब कैटेगरीज करनी है, जो इम्पोर्टेंट है वो अलग रखनी है और जो बेकार है उनको अलग रखना है, बस यही चेक कर रहा हूँ, 2 घंटों से बैठा हूँ, पता नहीं कब खत्म होगा ये काम। गट्टू चिंकी फ्रेश होकर मम्मी के कमरे में गए तो मम्मी आराम कर रही थी। क्या बात है मम्मी, तबीयत खराब है क्या? हाँ थोड़ा सा सर दर्द है और कमर में भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कॉमन है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। गट्टू चिंकी ने किचन में आकर देखा तो बहुत सारे जूठे बर्तन वैसे ही पड़े थे, किचन की हालत भी काफी खराब थी। मम्मी की कमर में दर्द है ना, इसलिए किचन खराब पड़ा है, मैं ये सारे बर्तन धो देता हूँ। लेकिन हमें तो बैडमिंटन खेलने जाना है ना। वो कैंसिल, वैसे भी हरी आज जल्दी में है, हम भी रहने देते हैं और मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं। ठीक है, फिर मैं भी फाइल्स अलग अलग करके पापा की हेल्प करती हूँ। फिर क्या, गट्टू बर्तन धोने लगा और चिंकी पापा के पास जाकर उनके गाइडेंस अनुसार फाइल्स कैटेगरीज करने लगी। देखते देखते गट्टू ने सारे बर्तन और किचन साफ कर दिया और इधर पापा का काम भी खत्म हो गया। मम्मी किचन में आई तो गट्टू का काम देखकर दंग रह गई। क्या जरूरत थी बेटा ये सब करने की, मैं कर देती। नहीं मम्मी, आपकी कमर में दर्द है, खाना भी तो आपको ही बनाना है, इसलिए कुछ मत बोलिए। थैंक्स बेटा, चिंकी कहाँ है? जैसे ही मम्मी गट्टू के साथ हॉल में आई, मम्मी ने देखा चिंकी और पापा काफी खुश थे। देखा, चिंकी ने हाथ बटाया और सारा काम चुटकियों में निपट गया। आपका काम तो निपट गया, लेकिन मुझे तो अभी खाना बनाना है। वो तो अच्छा हुआ गट्टू ने बर्तन संभाल लिए, नहीं तो पक्का लेट हो जाता आज। ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, किसने कहा तुम्हें आज खाना बनाना है? मतलब आज हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे, चौपाटी भी घूमेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश होकर चिल्लाने लगे, ये हम भी अभी तैयार होके आते हैं। इस प्रकार गट्टू चिंकी की हेल्प से मम्मी पापा का काम जल्दी खत्म हुआ और पापा की तरफ से उन्हें सरप्राइज मिल गया, होममेड पिज्जा। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आते हैं, दोनों एकदम खुश होते हैं क्योंकि आज उनका रिजल्ट जो आया था हाफ ईयरली परीक्षा का। मम्मी मम्मी किधर है आप? मम्मी हमारा रिजल्ट आ गया। अरे आ रही हूँ बाबा, कितना शोर मचा रहे हो। मम्मी मम्मी जल्दी आओ ना। अरे आ गई बाबा, स्कूल से आए नहीं कि उधम शुरू। मम्मी मैं क्लास में 3rd आई। और मैं 1st। अरे वाह, मुझे मालूम था ये। लव यू बच्चों। लव यू टू मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता? माँ हूँ मैं तुम दोनों की, समझे? इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी तुम दोनों ने, नंबर तो अच्छे आने ही थे। लेकिन मम्मी मुझे 1st आना था। आप और मन लगाकर मेहनत करना, फाइनल में आप 1st आ जाना। नहीं मैं तब भी 1st आऊंगा। हाँ हाँ चलो अब आपस में लड़ाई करना बंद करो, मैंने तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज बनाया है, फटाफट फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सरप्राइज? वाह मैं अभी आया चेंज करके। तुमसे पहले मैं आ जाऊंगी। चलो
दोनों टाइम रेस लगाते हैं। हे भगवान, हर जगह कॉम्पिटिशन। दोनों तेजी से कमरे की तरफ भाग जाते हैं। उधर मम्मी टेबल पर सरप्राइज को ढककर रख देती है। चिंकी भाग कर आती है। मैं फर्स्ट आई। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ अपनी चेयर पर। गट्टू भी भागे भागे आ जाता है। मैं भी आ गया। क्या सरप्राइज है मम्मी? प्लेट हटाकर खुद देखो। वाओ, ये तो पिज्जा है। पिज्जा मेरा फेवरेट है। इतना सुंदर सरप्राइज मम्मी, लव यू। लव यू टू बच्चों। दोनों एकदम खुश होकर पिज्जा खाने लगते हैं। वाओ मम्मी, इसका टेस्ट तो कितना अच्छा है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स भी डाली आपने। हाँ मम्मी, बाजार से मंगवाओ तो एक ही टॉपिंग देते हैं वो। आपने कितना टेस्टी पिज्जा बनाया है। तुम दोनों को अच्छा लगा ना? हाँ मम्मी, मजा आ गया। लेकिन ये आपने बनाया कैसे? मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी आपको पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। आप अभी बहुत छोटी हैं। मम्मी मुझे भी बताओ, हम छोटे नहीं हैं अब। आई एम अ ग्रोन अप बॉय। ठीक है, मैं सिखा दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो आप अकेले कभी नहीं बनाएंगे। मैं खड़ी होंगी तो सामने ही बनाएंगे। प्रॉमिस मम्मी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिंग और सब्जियां हमको पसंद है वो इकट्ठी कर लो। जैसे चिंकी, आपको मशरूम और शिमला मिर्च ज्यादा पसंद है तो आप वो ले लो। गट्टू, आपको प्याज और टमेटो वाला पिज्जा पसंद है। सॉसेस भी सब बाजार में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो भी पसंद हो, जैसे कि ब्रोकली, मक्का, वो सब भी ले सकते हैं। वाव, कितना मजा आएगा। ये सब तो सुपरमार्केट में मिल जाएगा ना मम्मी? हाँ, वहाँ से सब सामान और पिज्जा का बेस लेकर आ जाएंगे। वैसे मुझे बेस बनाना भी आता है, लेकिन वो मैं बाद में सिखाऊंगी जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे। अभी क्यों नहीं मम्मी? उसमें काफी काम होता है, इसीलिए जब आप 8th क्लास में आ जाओगे तब सिखाऊंगी। ओके मम्मी, फिर टॉपिंग का क्या करना है? हाँ, जो भी वेजिटेबल्स और बाकी टॉपिंग पसंद है सॉसेस की वो ले लो। उसके बाद पिज्जा बेस पर सबसे पहले उनकी लेयर बनाओ। मम्मी, पिज्जा बेस कौन सा अच्छा रहता है, ये कैसे पता चलेगा? गेहूं का बेस्ट होता है। बाकी मैदे वाला डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है, इसीलिए हम सबको हो सके तो गेहूं के बेस वाला पिज्जा खाना चाहिए। मैदा खाने से पिछली बार मेरा पेट दर्द भी हुआ था मम्मी। हाँ, तभी तो कहा गेहूं का बेस सबके लिए हेल्दी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या करना होगा? बेस पर पहले अपने हिसाब से चटनी या सॉस जो पसंद है वो लगा लो। उसके ऊपर सब सब्जियां लगा दो अच्छे तरीके से। मम्मी चीज? हाँ, चीज उसके ऊपर बुरकना होता है। वो कैसे? वो एकदम छोटे कद्दूकस से कसकर डाला मैंने तो। उसको बारीक करने की मशीन भी आती है, उससे भी किया जा सकता है। मम्मी कितना यमी लगता है ना चीज। हाँ, लेकिन वो भी लिमिट में खाना चाहिए बेटा, उससे फैट बढ़ता है। चिक्की गोलू मोलू मोटी हो जाएगी उससे, है ना मम्मी? हाँ, लेकिन मुझे चीज टेस्टी लगता है। तो खाओ ना बेटा, हर चीज बस लिमिट में होनी चाहिए। अब आप अपने पिज्जा खत्म करो। एक पिज्जा में आपकी आंखों के सामने बनाऊंगी, आप उसको बनाने में मेरी हेल्प करो, सीख जाओगे। वाओ। दोनों फटाफट अपनी लास्ट स्लाइस खा लेते हैं। चलो अब रसोई में चलते हैं एक और फ्रेश पिज्जा बनाने के लिए। फिर तीनों रसोई में आ जाते हैं। ये ले लिया मैंने बेस सबसे पहले, अब इस पर क्या करना है बताओ आप दोनों? मैं सॉस लगाऊं मम्मी? हाँ करो। चिंकी मेयोनीज डाल देती है और चिल्ली सॉस लगा देती है। मम्मी मैं ब्रोकली डेकोरेट कर दूं इस पर? टमेटो और मशरूम मैं लगाऊंगी गट्टू। हाँ बाबा, दोनों कर लेना एक एक करके। फिर दोनों एक एक करके टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम की एक एक लेयर लगा देते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है पिज्जा। हाँ गट्टू, मजा आ गया। मैं चीज को कस दूं मम्मी? नहीं बेटा, आप छोटे हो, हाथ ना कट जाए। मैं आप दोनों को चीज कस कर दे देती हूँ, आप पिज्जा पर बुरक देना। ओके मम्मी। मम्मी चीज कस कर दे देती है, दोनों मिलकर पिज्जा पर बुरक कर देते हैं। अब क्या करना है मम्मी? अब इसको ओवन में डालेंगे। ये आप क्या पहन रही है मम्मी? ये ग्लव्स हैं बेटा। हमेशा याद रखना, ओवन में प्लेट डालते और निकालते वक्त हाथ में दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। नहीं पहना तो क्या हो जाएगा मम्मी?
अरे हाथ जल जाएगा बेटा, वैसे आपको अभी ओवन यूज नहीं करना चाहिए, आप तो बस मुझे देखो। ओवन में पिज्जा पकने लगता है और दोनों कूदने लगते हैं। चिंकी देखो, प्लेट अंदर घूम रही है। हाँ गट्टू, मुझे तो खुशबू भी आने लग गई। बस 5 मिनट और, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे इसको। थोड़ी देर में पिज्जा रेडी हो जाता है और मम्मी प्लेट में लेकर उसको कटर से काटने लगती है। अच्छा, तो स्लाइस ऐसे बनती है। हाँ बेटा, चलो अब डाइनिंग टेबल पर। गट्टू चिंकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। मम्मी दोनों की प्लेट में एक एक स्लाइस रख देती है। वाव, कितना टेस्टी बना है मम्मी। हाँ, मजा आ गया। चलो, आज आप दोनों इतने अच्छे नंबर लाए, उसी का इनाम है ये। आप दोनों ने सीखा भी कि घर का बना पिज्जा कितना हेल्दी और टेस्टी होता है। हाँ मम्मी, अब जब भी पिज्जा खाना होगा घर का ही खाएंगे। ठीक है, चलो अब बाकी बची हुई स्लाइसेस भी खत्म करो। दोनों खूब मजे लेकर पिज्जा खा रहे होते हैं और मम्मी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। इंडियन फूड वर्सेस चाइनीज फूड। गट्टू और चिंकी को यूं तो सारी चीजें पसंद थी, जैसे कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना, घूमना, नई नई जगह देखना और भी बहुत सारे। दोनों बच्चे इतने प्यारे और चंचल थे कि उनकी फेवरेट चीजें भी बहुत जल्दी बदल जाती थी। जैसे एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो सब बच्चे टिफिन खोलकर खाना खाने इकट्ठे हो गए। नीलेश, भूषण, बंटी, अपने प्यारे गट्टू चिंकी, सबने अपना अपना टिफिन बारी बारी से खोला। आज मैंने लंच में लाया है मंचूरियन। वाओ, इट्स सो यमी। और तुमने क्या लाया है भूषण? मेरे टिफिन में आज है नूडल्स। और सभी के टिफिन में चाइनीज फूड नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी गट्टू और चिंकी के टिफिन खुलने बाकी थे। तब नीलेश ने एक्साइट होकर उनसे कहा, अरे गट्टू चिंकी, तुम भी अपना टिफिन खोलो, आज क्या खास है खाने को देखे तो जरा। हाँ हाँ, तुम्हारे टिफिन में रोज कुछ हटके होता है। बंटी के ऐसा कहते ही सभी गट्टू और चिंकी की तरफ देखने लगे, लेकिन शायद गट्टू और चिंकी को पहले से ही टिफिन में क्या है ये पता था, इसलिए उनके मुंह पर कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं थी। दोनों ने एक साथ ही टिफिन खोला और फिर साथ में ही जवाब दिया, ओफो, आलू की सब्जी, चपाती और सम पीसेस ऑफ गाजर। एक हंसी का ठहाका लगा। गट्टू चिंकी और उनके बाकी सभी दोस्त बहुत हंसे। गट्टू और चिंकी, तुम्हें मंचूरियन खाना है तो इसमें से खाओ। और हाँ, नूडल्स भी है, बहुत टेस्टी लगता है। सबने मिलकर नीलेश, भूषण, इनके टिफिन में जो चाइनीज फूड था उसे ही खाना पसंद किया। देखते ही देखते सब चाइनीज फूड सफाचक हो गया और गट्टू चिंकी का टिफिन जिसमें आलू की सब्जी थी उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। घर से लाया हुआ टिफिन गट्टू और चिंकी वैसा का वैसा ही वापस ले आए। मम्मी ने जब टिफिन चेक किए तो उन्हें पता चला आलू की सब्जी, चपाती सब गट्टू और चिंकी ने वैसा ही छोड़ा है, कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर मम्मी ने गट्टू और चिंकी को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी बेटा जरा यहाँ आओ। गट्टू चिंकी दौड़ते दौड़ते वहाँ आए और जब मम्मी के हाथ में उन्होंने टिफिन देखा तो समझ गए कि मम्मी अब डांटेंगी। गट्टू और चिंकी, तुमने आज स्कूल में खाना नहीं खाया, टिफिन में तो सब वैसा ही है। वो मम्मी, हम भूल गए, चलो चिंकी। गट्टू और चिंकी बाहर भागने लगे और जब मम्मी ने पूछा तो चिंकी ने भागते हुए ही जवाब दिया, अरे कहाँ जा रहे हो अब? खेलने जा रहे हैं मम्मी, ग्राउंड पर। लेकिन खाना? खा लिया था मम्मी। इससे पहले कि मम्मी कुछ और पूछती दोनों तो जा चुके थे। इस तरह गट्टू और चिंकी मम्मी के डांट से बच गए। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक के वक्त सब रोज की तरह इकट्ठे हो गए और आज फिर से गट्टू और चिंकी छोड़ सब ने कुछ ना कुछ चाइनीज फूड लाया ही था। लेकिन इस बार गट्टू और चिंकी दोनों ने भी अपना टिफिन निकाला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि आज भी कुछ हेल्दी जैसी सब्जी होगी। आज से मेरी फेवरेट चीजों की लिस्ट में चाइनीज फूड भी मैंने ऐड कर लिया है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मंचूरियन, ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी था। जो एक बार चाइनीज फूड टेस्ट करता है उसका हमेशा के लिए ये फेवरेट फूड बन जाता है। आज भी सबने मिलकर नीलेश, भूषण के टिफिन में लाई हुई चाइनीज डिशेज ही खाई। आज तो बंटी ने भी नूडल्स लाई थी
घर जाते वक्त गट्टू और चिंकी बातें कर रहे थे कि उन्हें भी अब चाइनीज खाना खाना था, लेकिन मम्मी से कैसे कहे कि टिफिन में हमें चाइनीज बना के दे दे, ये बहुत बड़ा सवाल उनके सामने था। चिंकी, मुझे वो मंचूरियन बहुत अच्छा लगा, मुझे पेट भर के चाइनीज खाना है। मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद आए, लेकिन मम्मी हमें टिफिन में ये सब नहीं देंगी। आइडिया, हम मम्मी से कहेंगे कि किसी चाइनीज फूड वाले होटल में चले, ताकि हम भर पेट नूडल्स और मंचूरियन खा पाए। गट्टू चिंकी के घर जाते ही मम्मी ने उन्हें रोका और पूछा, आज टिफिन खाया कि नहीं, जरा दिखाओ। मम्मी दोनों का टिफिन खोलकर देखती है तो फिर आज वैसा ही टिफिन था। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तब चिंकी बताती है कि वो सब दोस्त मिलकर इकट्ठा खाना खाते हैं और उनके टिफिन में ही गट्टू चिंकी का खाना हो जाता है। चिंकी आगे मम्मी से होटल में जाने की बात करती है। मम्मी, मुझे और गट्टू को चाइनीज फूड खाना है, क्या हम कल होटल चले जहाँ भरपेट चाइनीज फूड खा सके? हाँ मम्मी, मेरा तो फेवरेट है नूडल्स, मुझे वो खाने हैं। नहीं नहीं बच्चों, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हमारा इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है, तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। मम्मी के लाख मना करने पर भी गट्टू चिंकी सुनते नहीं है, इसलिए मम्मी राजी हो जाती है और गट्टू चिंकी खुश हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही बार तुम्हें मैं चाइनीज खिलाने ले जा रही हूँ। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और गट्टू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उनकी मासी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी खाने की चीजें लाई हूँ। नहीं दीदी, गट्टू और चिंकी को चाइनीज फूड पसंद है, वो शुद्ध घी से बने हुए लड्डू बर्फियाँ ये सब नहीं खाते। अच्छा ठीक है, मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ सिर्फ हम दोनों के लिए। मासी ने मम्मी की मदद लेकर पनीर के इतने सारे पदार्थ बनाए कि गट्टू चिंकी दौड़ते हुए आए और खाने पे ऐसे टूट पड़े कि चाइनीज फूड तो जैसे भूल ही गए। उसके बाद मासी ने बहुत बढ़िया फ्रूट सलाद बनाया, पराठे बनाए और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। बच्चों, सबसे अच्छा और सेहत के लिए जरूरी अगर कुछ है तो वो हमारा इंडियन फूड है। चाइनीज फूड लगने के लिए थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तभी घर के फोन की घंटी बजती है और मम्मी उसे उठाती है। फोन पर भूषण की मम्मी बात कर रही थी। बात करके मम्मी फिर से मासी, गट्टू और चिंकी के पास आई और कहा, गट्टू चिंकी, तुम्हारा दोस्त है ना भूषण, उसकी मम्मी का कॉल आया था मुझे। भूषण के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो भी चाइनीज फूड ही खा रहा था 2-3 दिन से। अब समझे गट्टू चिंकी कि किस तरह हमारा इंडियन फूड बेहतर है। गट्टू चिंकी सोच में पड़ जाते हैं कि चाइनीज फूड खाए या ना खाए। दूसरे दिन मासी के साथ सभी होटल में गए थे। आज मौसी को मम्मी की तरफ से पार्टी थी, गट्टू चिंकी भी साथ आए थे। गट्टू चिंकी, चलो बताओ बेटा, तुम क्या खाना पसंद करोगे, मंचूरियन या नूडल्स, कुछ खाना है? गट्टू चिंकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर दोनों ने कहा, नहीं मम्मी, हमें चाइनीज नहीं खाना, हमें इंडियन फूड ही खाना है जो एकदम टेस्टी और सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर क्या, उसके बाद सभी ने उस होटल में इंडियन फूड एंजॉय किया। न्यू ईयर ईव, देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने को आया और नए साल के आने की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही थी। हर कोई नए साल का स्वागत अपने अलग अंदाज में करने की तैयारी कर रहा था। मम्मी शाम में काफी यमी मिठाइयां और नमकीन बनाना चाहती थी, वहीं पापा फोन पर अपने ऑफिस कलीग से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लान डिस्कस कर रहे थे। न्यू ईयर पार्टी गुप्ता जी के यहाँ? अरे ठीक है यार, मैं 6 बजे तुम्हें पिक कर लूंगा। सारे लोग नया साल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इनको बाहर पार्टी करने का मन हो रहा है। चिंकी सुबह से ही अपने फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट बना रही थी, क्योंकि उसने शाम को फ्रेंड्स को घर पर कैरियोकी पार्टी के लिए बुलाया था। ये सब सॉन्ग्स गाने में तो बहुत मजा आएगा, अब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना लेती हूँ। जहाँ पापा मम्मी और चिंकी नए साल की तैयारियों में लगे थे, वहीं गट्टू आराम से अभी तक सोया हुआ था। ये देखकर मम्मी जो पहले से ही गुस्सा थी, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। गट्टू, ये कोई सोने का वक्त है, इतनी लेट तक सोए रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मम्मी की डांट खाकर गट्टू हड़बड़ी में उठ जाता है। इससे पहले कि मम्मी और ज्यादा गुस्सा करती, दादी माँ गट्टू को बचाने आ जाती हैं। अरे आज तो छुट्टी का दिन है,
ऐसे मत डांटो बच्चों को। सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गट्टू, तुमने सुना नहीं? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या दादी माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तभी चिंकी अपनी डायरी लेकर मम्मी के पास आती है और पूछती है, मैंने ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट बनाई है, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? अरे ये क्या है चिंकी, मुझे भी दिखाओ। ये मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की लिस्ट है, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं नए साल में करने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि स्कूल में बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी जीतना, हेल्दी डाइट फॉलो करना और पिज्जा या बर्गर जैसी चीजें मंथ में सिर्फ एक बार खाना। इस तरह रेजोल्यूशंस बनाने से कुछ नहीं होता, न्यू ईयर होता है सेलिब्रेट करने के लिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए, तुम्हारी तरह ये बोरिंग रेजोल्यूशंस बनाने के लिए नहीं। गट्टू, खुद रेजोल्यूशंस नहीं ले सकते तो कम से कम इस तरह चिंकी को डिस्करेज मत करो। मैंने तो ऑलरेडी न्यू ईयर का प्लान बना लिया है, कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग ट्रिप पे जा रहा हूँ, अभी पहले अपनी साइकिल में हवा भरवा लेता हूँ। सुनो, साइकिल रिपेयर शॉप से वापस आते हुए ये सब सामान लेते आना, शाम को स्पेशल डिशेस बनाने के लिए ये सब सामान बहुत जरूरी है, तुम्हारे पापा तो बाहर ही पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ। अरे इतना गुस्सा मत करो श्रीमती जी, मैं बस सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने जा रहा हूँ, बस एक दो घंटे में वापस आ जाऊंगा और न्यू ईयर तुम सबके साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर मम्मी काफी खुश हो जाती हैं। गट्टू सारे सामान की लिस्ट और अपना साइकिल लेकर घर से निकल पड़ता है। घर पर चिंकी न्यू ईयर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, उसने कैरियोकी पार्टी प्लान की थी, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाया और अब एक और शानदार आइडिया उसके मन में चल रहा था। चिंकी ने साल भर के सारे इंपॉर्टेंट और यादगार मोमेंट वाले पिक्चर्स अपने लैपटॉप के एक फोल्डर में अरेंज किए। गट्टू का बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, दिवाली और होली के सेलिब्रेशंस, चिंकी का स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीतना, जन्माष्टमी पे दादी माँ का कृष्णा जी के लिए झूला बनाना, चिंकी ने इन सारे मोमेंट्स के पिक्चर का एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल कॉलाज तैयार किया और ये शाम की पार्टी का सरप्राइज पैकेज था। वहीं गट्टू मार्केट से अपनी साइकिल रिपेयर करवा के और मम्मी की लिस्ट का सारा सामान लेके वापस आ रहा होता है कि रास्ते में उसे हरी मिलता है। अरे गट्टू, आज रात न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हो ना। मैं तो अभी साइकिल ट्रिप की तैयारी कर रहा था। साइकिल ट्रिप तो कल सुबह 7 बजे है, लेकिन न्यू ईयर तो आज रात 12 बजे आ रहा है ना। फिर क्या प्लान है? रात 11:50 में ही हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और एग्जैक्ट 12 बजे हम पटाखे चला के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं भी अपने क्रैकर्स लेकर आ जाऊंगा। गट्टू जब घर आया तो देखा कि चिंकी शाम की पार्टी के लिए ड्राइंग रूम को सजा रही थी। गट्टू ने भी चिंकी के साथ मिलकर रूम की सफाई की और डेकोरेशन में हेल्प करने लगा। अरे गट्टू, तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो ना कैरियोके पार्टी में। ओ हाँ, साइकिलिंग ट्रिप के कारण मैं तो उनको शाम की पार्टी में बुलाना भूल ही गया, अभी उनको मैसेज करता हूँ। गट्टू ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल और मैसेज करके कैरियोके पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, नया साल और करीब आ रहा था। शाम 6 बजते ही घर पर चिंकी और गट्टू के दोस्त आने लगे। गुड्डी ने बहुत ही प्यारा सा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ था और हरी तो ढेर सारे गुब्बारे ले आया था। अरे वाह गुड्डी, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी मम्मी किचन से एक ट्रे में शरबत, नमकीन एवं मिठाइयाँ ले आई। सारे बच्चे यमी केक्स, फ्रेंच फ्राइज, चीज पकौड़े वगैरह खा के बहुत खुश हुए। आंटी, ये सब तो बहुत ही यमी है। थैंक यू बेटा, पहले तुम लोग ये नमकीन और मिठाइयाँ एंजॉय करो, फिर हम तुम लोगों का गाना एंजॉय करेंगे। हाँ, अब कैरियोके शुरू करते हैं। गट्टू ने कैरियोके का सिस्टम टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। वहीं मम्मी और दादी माँ सोफे पर बैठ गईं। अब बारी बारी से चिंकी, गुड्डी और हरी ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए। कैरियोके म्यूजिक के साथ गाते हुए बच्चों को बहुत मजा आ रहा था और मम्मी और दादी भी खूब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में पापा भी अपने ऑफिस कलीग्स वाली पार्टी से लौट कर घर आ जाते हैं और मम्मी पापा ने साथ मिलकर कैरियोके पर एक डुएट सॉन्ग गाया।
गट्टू को गाने से ज्यादा अच्छा डांस करना लगता था और फिर उसने ऋतिक रोशन के एक सुपर हिट सॉन्ग पे जबरदस्त डांस करके सबको दिखाया। नए साल की पार्टी पूरे धूमधाम से चल रही थी और उसमें चार चांद लगाने चिंकी ने अपना फोटो कॉलाज प्ले किया। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर सबने बीते हुए साल का सबसे यादगार मोमेंट को फिर से देखा और चिंकी के क्रिएटिविटी की सबने बहुत तारीफ की। अरे वाह चिंकी, ये फोटो कॉलाज का आइडिया तो सबसे ज्यादा अमेजिंग था। चिंकी ने सुबह से ही न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और सबकी तारीफ सुन के उसे बेहद खुशी मिली। जैसे ही घड़ी में 11:50 का टाइम हुआ, सारे लोग घर से निकल के सोसाइटी कंपाउंड में आ जाते हैं। वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेहता अंकल, सलीम चाचा, हरविंदर जी और उनकी फैमिली। बहुत ही अच्छा माहौल था। एग्जैक्ट 12 बजे सभी बच्चों ने रॉकेट्स और फुलझड़ियां जलाई और सबने जोर से बोला हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग एक दूसरे को गले लग के नए साल की शुभकामनाएं देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे नए साल ने सब में नया जोश और उमंग भर दिया था। और इस तरह फुल सेलिब्रेशन के साथ नए साल का स्वागत करने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए और गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह गट्टू की जब आंखें खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने शॉक दिया हो। गट्टू एकदम से बेड से उतर के अपने फोन चेक करने लगा। उसमें उसके फ्रेंड्स के ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस थे जो उन्होंने सुबह 7 बजे भेजा था साइकिलिंग ट्रिप पे गट्टू को बुलाने के लिए। पर लेट तक सोने की आदत के कारण गट्टू को किसी भी रिंग का पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ गट्टू, इस तरह उदास क्यों दिख रहे हो? मेरी साइकिलिंग ट्रिप मिस हो गई दादी माँ, मैं सोया रह गया और वो सब चले गए। कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट साल के पहले ही दिन तुम्हें ये सीख तो मिली कि लेट तक सोने की आदत से हमारा काफी नुकसान होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो कि इस साल में रोज सुबह जल्दी उठा करूँगा। गट्टू को भी एहसास हो गया था कि उसने चिंकी के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का मजाक उड़ा के गलती की थी। उसने चिंकी से दिल से सॉरी बोला। आई एम सॉरी चिंकी, मैं समझ गया हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने को एक मोटिवेशन मिलता है। चलो अच्छा हुआ गट्टू ने इम्पोर्टेंट लेसन साल के पहले दिन सीख लिया। और गट्टू बेटा, साइकिलिंग ट्रिप मिस होने से सैड होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिटी के बाहर लेक के पास एक खूबसूरत सी कैंपिंग साइट पर एक स्लॉट बुक किया है। 1 जनवरी को हम पूरी फैमिली के साथ में कैंपिंग और पिकनिक करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। मम्मी भी पापा के इस सरप्राइज अनाउंसमेंट से बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सारे लोग एक साथ बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना, घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने दो दो बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है, वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए।
मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था, बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है, इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी, ये तो बस आलू के पराठे हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना,
उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू कल चिंकी का बर्थडे है, इसलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जम कर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई। चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ, बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं, मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है, अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया, लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। फल सब्जियां और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे।
लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया, हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं। और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसल कर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जी और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। गट्टू और चिंकी का सत्याग्रह। 2 अक्टूबर का दिन था। गट्टू और चिंकू के स्कूल में गांधी जयंती मनाई जा रही थी। शर्मा सर भजन गा रहे थे, बोलो महात्मा गांधी की जय। बच्चों आज गांधी जयंती है। गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। अहिंसा और सत्याग्रह के हथियारों से वे अंग्रेजों से लड़े, भारत को आजादी दिलाई। सर सत्याग्रह क्या होता है? गुड क्वेश्चन गट्टू। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था, पर भारत आजादी का हकदार था, यही सत्य था। इसी सत्य के गांधी जी आग्रही थे और इसी सत्य को प्रमाण मानकर वे निरंतर लड़ते रहे। लड़ाई? पर वो तो अहिंसक थे ना? यह लड़ाई बंदूक और तलवारबाजी नहीं थी, बल्कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही अनशन, शांति प्रिय मोर्चे जुलूस निकालकर अंग्रेजों को विरोध तथा एकता की ताकत दर्शाने वाली, लोगों को जागरूक करके गुलामी मानसिकता से बाहर लाने वाली लड़ाई थी। सर क्या अनशन और सत्याग्रह से हम जो चाहे वो पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा समय अधिक लगता है पर हम कामयाब हो ही जाते हैं। गट्टू और चिंकी घर आते हैं और आते ही मुंह हाथ धोए बिना टीवी के सामने कार्टून देखने बैठ जाते हैं।
मम्मी आकर ये देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। अरे मुंह हाथ धोया नहीं, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और कार्टून देखने बैठ गए। चलो फटाफट मुंह हाथ धो लो और कुछ खा लो, उठो। ऐसा कहकर मम्मी टीवी बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। गट्टू और चिंकी गुस्सा हो जाते हैं। कितना अच्छा कार्टून था, टीवी बंद कर दिया मम्मी ने। हम आजाद हैं, हमें कार्टून देखने का पूरा हक है। चलो चिंकी, हम अपना अधिकार पाकर रहेंगे, मम्मी पापा की गुलामी नहीं सहेंगे। ऐसा कहकर गट्टू चटाई बिछाता है और दोनों सत्याग्रह और अनशन के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी आती है तो दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। तुम अभी भी यही हो, उठो चलो। तभी पापा ऑफिस से लौटकर आते हैं और दोनों को देखकर कहते हैं, बच्चों क्यों तंग कर रहे हो मम्मी को। इस पर गट्टू कहता है, हम सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी की तरह, हम आजाद हैं और यही सत्य है, हमें कार्टून देखने की आजादी है, इसलिए अब हम सत्याग्रह करेंगे, अनशन भी करेंगे, मोर्चा भी निकालेंगे और आप दोनों का विरोध करेंगे, किसी की कोई बात नहीं मानेंगे। मम्मी यह सुनकर हैरान हो जाती है। तभी पापा मम्मी को लेकर अंदर जाते हैं। अभी क्या नया नाटक है बच्चों का। कुछ नहीं, दोनों भी गांधी जी की नीति अपना रहे हैं, आज गांधी जयंती है ना, स्कूल में सिखाया होगा। अब हम क्या करेंगे। हम भी अनशन और सत्याग्रह करेंगे। इसके बाद पापा मम्मी भी गट्टू और चिंकी के सामने बैठ जाते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हो। हम भी अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। पर आपकी मांगे क्या है। हमारी मांगे ये है कि हमारे बच्चे स्कूल से आए तो पहले मुंह हाथ धो ले, कुछ खा ले और फिर कार्टून देखे, क्योंकि हम हमारे बच्चों के माता पिता हैं। हमारा हमारे बच्चों पर अधिकार है, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता हम भी यहीं बैठेंगे। यह सुनकर गट्टू और चिंकी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ हो सकता है इसकी उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। पापा मम्मी ये तो चीटिंग है। कैसी चीटिंग। हम भी आजाद देश के आजाद नागरिक है, हमें भी हक है हमारे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने का, उन्हें समझाने का कि स्कूल से आने के बाद मुंह हाथ धोना जरूरी है, पहले कुछ खाना जरूरी है, फिर थोड़ी देर टीवी देखना और थोड़ी देर पढ़ना जरूरी है। यह सुनकर गट्टू और चिंकी को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो मम्मी पापा से माफी मांगते हैं। सॉरी पापा मम्मी, हम आपको समझ नहीं पाए, आप तो हमारे भले के लिए ही कह रहे हो, हमें लगा कि गांधी जी की तरह अनशन और सत्याग्रह करके हम सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। बेटा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अनशन किया, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, इसमें इन्होंने देश के लोगों का भला सोचा। तुम भी सत्याग्रह जरूर करो, पर बुराई और असत्य के खिलाफ, अच्छा आदमी बनने के लिए, सबकी भलाई के लिए। अब बताओ टीवी देखने से तुम दोनों का भला तो हो जाता, पर हमारा क्या। तुम दोनों बिना मुंह हाथ धोए बिना खाए पिए बैठे देखकर हम तो परेशान हो जाते ना। अब हम समझ गए, सत्याग्रह एक हथियार है, इस हथियार का उपयोग सोच समझ कर और सबके भलाई के लिए करना चाहिए, बल्कि न किसी को तंग करने के लिए। बहुत अच्छे, अब जाओ मुंह हाथ धो लो, कुछ खा लो, फिर हम मिलकर कार्टून देखेंगे। इसके बाद गट्टू और चिंकी भागते हुए जाते हैं और मुंह हाथ धोकर खाने पर टूट पड़ते हैं। दुखी राम के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था, उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थी। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी, उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूं, तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है,
मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वही गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया दो समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूँ इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो दो समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे। मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे, हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे। क्या मतलब। मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या, वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है। थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ, इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई। हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों। क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे, तब तुम कुछ करोगे ना। और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखीराम के समोसे असल में दुखीराम के समोसे थे। मदर्स डे और मम्मी के टॉर्चर। ये बात तब की है जब गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे। बच्चों, मम्मी को तंग ना करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा, दादी भी आ रही है तुम लोगों को कंपनी देने, ठीक है। ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो, उठो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 5 मिनट और। भूल गए पापा ने क्या कहा है, मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी पापा भी तो एडजस्ट करते थे, हमें देर हो जाती थी,
फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं। मुझे मत सिखाओ, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर गट्टू चिंकी गुस्सा हो गए और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ। एक बात बार बार दोहराने मत लगो, चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल। मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। गट्टू चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी यह नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले, तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही है स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे। तुम कहते हो तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ, मम्मी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये सुनकर गुस्साए गट्टू चिंकी एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या, गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी, वो क्यों आएंगी, वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहां की कचौड़ियां पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला, अब पेट भरकर कचौड़ियां खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियां खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियां पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियां लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचें? फिर गट्टू चिंकी घर आए, हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम, मम्मी कहाँ है? ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है मतलब, वो घर में नहीं है? अरे जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी हम तो पैदल चले आए, मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी मम्मी कब आएंगी? दादी हमें मम्मी चाहिए, दादी हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 9 बजे थे, गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी, तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए, मैं भी पैदल घर की तरफ निकली। तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला, सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियां लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उड़ गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू क्या कर रहे हो, अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए, कुछ स्पेशल करते हैं ना। लेकिन क्या स्पेशल करें, मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूँगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण
सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है, वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज, हैप्पी मदर्स डे। हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो, इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था, फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा, अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ, इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे, आज आप क्वीन हो। और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ, जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे, आप यहाँ पर ध्यान मत दो। चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भुनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया, फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है, जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो, और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं।
दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ, मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना, जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। ट्री प्लांटेशन, पर्यावरण के बारे में गट्टू और चिंकी पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपने सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा, हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी, हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है? तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू, मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा, मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो, मेरा आम का पेड़ लग गया, अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ही फल मिलेंगे, अरे इंतजार करना होगा। चलो ना, अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं, मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी, अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा, फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, तुम्हें पता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ, मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा, मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए। देखो, मैंने फूलों का पेड़ लगाया है, मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ बंटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधे की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ, मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना। अरे गट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतने जल्दी नहीं उगते। गट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हाँ, इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़ कर गई और पानी का झारा लेकर आई, लेकिन ये क्या, चिंकी के अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के अमरूद खाने लगे। अरे नहीं, ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए?
चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सफाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। फिर चिंकी से कहने लगा, चिंकी देखो तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने थे, मुझे एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी और रोने लगी, मम्मी मम्मी मुझे फल चाहिए। उठो बेटा चिंकी, क्या हुआ, उठ जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी को बिलक गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफा चट कर गए और मुझे एक भी नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आए। क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूद बंदर खा गए हैं। बस इतना ही, चलो नाश्ता करते हैं, आओ। गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे। पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते, और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ, पेड़ तो दूसरों के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में हमने की या पानी हमने डाला तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी, दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने गट्टू चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी। पापा, गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुंह भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है। आम का अचार तो काफी टेस्टी है, दादी को कहना और लेकर आए। हाँ हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा गट्टू चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है? पापा, अचार तो आम से ही बना है ना। तो चिंकी मुझे ये बताओ, इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था? नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी? नहीं समझ रही हो बेटा, उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ों के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है हम गांव गए थे तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। गट्टू चिंकी मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे। हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई सालों से लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छांव भी तो मिलती है। सही कहा गट्टू। चलो गट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझे या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा। गट्टू चिंकी और फिशिंग। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह दोनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पापा उनके पीछे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी किचन में काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है, मच्छी ले लो मच्छी, एकदम ताजा ताजा मच्छी। मच्छी कैसी ताजा होती है, वो कोई फल थोड़ी है। अरे बेटा, एकदम पोंड से ताजा पकड़ कर लाए होंगे अंकल। आप सभी बातें क्या कर रहे हो, जाओ मच्छी खरीद लो। पापा दरवाजा खोलते हैं और गट्टू चिंकी भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वाओ, इनकी टोकरी में इतनी सारी फिश है। हाँ देखो ना चिंकी, इतने सारे कलर की अलग अलग फिश, ये पकड़ कर लाए कैसे? बेटा वो फिशरमैन है, गांव से फिशिंग करके आई, उनके पास सब तरह की फिश है, देखो। इनको पकड़ते कैसे है, ये कैसे सहेज कर रखते हैं? इसके अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पता है, मेरा मन कर रहा है अभी फिश को पका कर खा जाऊं। लेकिन मुझे फिशिंग करनी आती ही नहीं। अरे बाबा, इनको पकड़कर सीधे पानी के टैंक में रखा जाता है, साथ ही फ्रेश वाटर वाली को फ्रेश वाटर में, पॉन्ड वाली को पॉन्ड वाटर में, और खारे पानी वाले को खारे पानी में ही रखा जाता है। उसके बाद इनको टोकरी में भरकर अलग अलग जगह बेचने निकला जाता है। खारे पानी से क्या मतलब है पापा?
अरे समुद्री पानी बेटा, उसमें नमक होता है ना, इसलिए उसको खारा पानी कहते हैं। अच्छा पापा, फिशिंग कैसे करते हैं, मुझे भी देखना है। ठीक है, आप सभी इस रविवार को तैयार रहना, हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन हाँ, हम पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, वहाँ पर फिशिंग करेंगे। मैं उसके लिए नेट ले आऊंगा और कांटा भी। क्या हम ही पका कर खाएंगे फिश को? हाँ, एकदम फ्रेश नेचुरल तरीके से। रविवार के दिन सभी लोग तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। गट्टू और चिंकी आपस में लड़ने लगते हैं। मैं पापा के साथ आगे की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। अरे लड़ो मत आपस में, आधे रास्ते गट्टू और आधे रास्ते चिंकी आगे की सीट पर बैठेंगी। अभी ठीक है? अभी चिंकी आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। ये, आई एम सो हैप्पी। गट्टू पीछे बैठ जाता है। बहुत ही सुंदर रास्ते से होते हुए सभी लोग एक तालाब के किनारे पहुँच जाते हैं। अरे कितनी सुंदर जगह है पापा, इतना बड़ा तालाब, यहाँ ना जाने कितनी मछलियाँ होंगी। हाँ हाँ बहुत सारी, ये जगह फिशिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले मैं आप सबके लिए टेंट भी सेट कर देता हूँ, आओ आपको टेंट लगाना सिखा दूँ। पापा गाड़ी की डिक्की से टेंट, फिशिंग की जाली और डंडा निकालते हैं। मम्मी खाने पीने के सामान की टोकरी नीचे उतार देती है। गट्टू ये देखो, ये ऐसे लगाते हैं टेंट, इसको समझ लो। आप लोग फिशिंग करो, तब तक मैं बारबेक्यू लगा देती हूँ, उसमें मछली सेकेंगे पकड़ने के बाद। वाह मम्मी। थोड़ी देर में टेंट को सेट करने के बाद पापा मछली पकड़ने वाला नेट खोल देते हैं और सब लोग तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। गट्टू ये लो तुम पकड़ो ये नेट, और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत। हिलना क्यों नहीं पापा? अरे उससे मछलियों को पता चल जाता है कि ये उनको पकड़ने के लिए धागा है, वरना वो कांटे को पकड़ लेती है। चिंकी तुम भी जब गट्टू का हाथ दुख जाए तो ये नेट पकड़ लेना। ओ अच्छा। और हाँ, जैसे ही थोड़ा भारी लगे ये नेट, इसकी डोरी को समेटना शुरू कर देना। ओके पापा। चिंकी पास में बैठी होती है। आधे घंटे से ज्यादा बीत जाता है। गट्टू थक हार कर उबासिया लेने लगता है। गट्टू अगर तुम थक गए हो तो मैं पकड़ लेती हूँ नेट को, तुम तब तक रेस्ट कर लो। ठीक है चिंकी, लेकिन 10 मिनट बाद में वापस ले लूंगा। क्या पापा इतनी देर लगती है इसमें तो? हाँ बेटा, फिशिंग में तो टाइम लग जाता है, जब तक फिश कांटे में ना फंसे तब तक तो धीरज रखना ही होगा। चिंकी डंडे को पकड़ कर बैठ जाती है, तभी उसको थोड़ी सी हलचल लगती है, लगता है जैसे डंडा भारी हो गया हो। पापा मुझे अंदर खींच रही है, तो इतनी बड़ी फिश है। पापा तुरंत दौड़कर आते हैं और डोरी खींचने लगते हैं, जिससे डोरी ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे उसमें फंसी मछली भी दिखाई देने लगती है और गट्टू चिंकी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पकड़ ली, हमने फिश पकड़ ली। मैंने पकड़ी गट्टू, तुमने नहीं। तो क्या हुआ, इतनी देर तो मैं पकड़ कर बैठा था। अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, और मछली पकड़ लेना, ये आखिरी थोड़ी है। तभी चिंकी की नज़र मछली पर जाती है, वो तड़प रही होती है। अरे मम्मी ये कितनी तड़प रही है। हाँ बेटा, क्योंकि ये पानी से बाहर आ गई है, याद है ना पोयम? हाँ मम्मी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलो गट्टू तुम मेरे साथ आओ, हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तब तक चिंकी और पापा और फिश पकड़ लेंगे। मम्मी फिश के पंख साफ करके उसको तवा पर सेकने लगती है। उधर चिंकी खुशी के मारे तालियां बजाती है। वाह मम्मी इतनी फ्रेश फिश, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा आज सच में मजा आ जाएगा। अरे बाबा बड़ी मछली आ गई, तो क्या ये डोरी टूट नहीं जाएगी? नहीं चिंकी, हम दोनों मिलकर उसको फटाफट ऊपर खींच लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है, जैसे ही फिश आए तो मुझे बता देना। गट्टू डोरी को पानी में डालकर चुपचाप बैठा होता है। तभी पापा को लगता है कि ऐसे तो दोनों थक जाएंगे। अरे गट्टू मुझे दो, मैं करता हूँ, तुम थक जाओगे। नहीं पापा आज हम दोनों को फिशिंग करने दो। तभी अचानक थोड़ी सी हलचल होती है, लगता है फिश आ गई, भारी हो गया नेट। चिंकी हेल्प करो मेरी। चिंकी भागकर गट्टू का हाथ बटाती है। पापा मन ही मन दोनों का टीम वर्क देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों एकदम तेजी से डोरी खींचने लगते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। वाओ मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, अब तो सचमुच मजा आएगा। गट्टू मम्मी देखो इतनी बड़ी फिश।
मम्मी भी भागकर देखने आ जाती है। अरे ये फिश तो सच में बहुत बड़ी है, इतनी हम दोनों के लिए पर्याप्त है। आप दोनों आकर तब तक प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लो। थोड़ी देर में सब मिलकर फिश को पका लेते हैं और खाने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, वाव, आज तक इतना मजा तो कभी नहीं आया फिश पकड़ने में। इतनी ताजी, इतनी स्वादिष्ट। थैंक यू बच्चों, आप दोनों की वजह से आज हम भी बहुत लंबे बाद यहाँ आए। थैंक यू पापा, इतना मजा आया हमको फिशिंग करने में। और दोनों बच्चे दौड़कर पापा को हग कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।